स्वागत दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र। मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको इस पेंटिंग के बैकग्राउंड बनाना सिखा रहा था, सिखा नहीं जो भी कह सकते हैं। तो बैकग्राउंड बन चुका है और अगर थोड़ी सी कटिंग हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो अब मैं इसकी ये ब्लैक कलर की ग्राउंड बनाने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें चाहिए होगा लाइक ब्लैक पेंट, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 0 नंबर का पेंट ब्रश। आप कोई से भी पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैमलिन का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है तो ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। सो दोस्तों, क्या जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड का लैंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अब मैं दूसरी तरफ का लैंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस जगह को मैं पूरी तरीके से ब्लैक कलर से पेंट कर दूँगा। तो अब मैंने 2 लैंड कंप्लीट कर लिए हैं सीनरी के लिए। अब मैं ये वाला हिस्सा बना रही अब मैं ये वाला हिस्सा बनाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं यार, बनता है नहीं, बन तो जाएगा वैसे। तो ये अभी इस तरीके से लूप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने अभी ये ग्लव्स पहन लिए ताकि यार हाथ गंदे ना हो। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर बार इसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाइएगा। एक्रेलिक कलर्स को जब भी कोई पेंटिंग बनाए एक ही डायरेक्शन में ले जाइए, ताकि एक स्मूथ इफेक्ट आए। और अगर अलग अलग उस तरह से लेके जाते हैं तो होता है ये है कि पेंटिंग बन तो जाती है, लेकिन एक अनइक्वल सा इफेक्ट आता है हर जगह से। ये यहाँ से भी मैं पेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये हो गया है। अब मैं यही 0 नंबर के पेंट ब्रश से ये आउटलाइनिंग करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब मैं ये पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो आप ये लीव्स देख रहे हैं, ये लीव्स और ये डियर बनेंगे पार्ट 3 में, और ये अभी पार्ट 2 है। और पहले ये पेड़ बना लूँ, ये पेड़ बना लूँ, उसके बाद अगले 3rd पार्ट में ये पेड़ और डियर्स और इसकी लीफ होंगी। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही जाएं। तो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब भाई करना तो भाई ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि भाई ये फ्री है। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें कि अगली पेंटिंग मैं किस चीज़ पे बनाऊं और अगली क्या चीज़ मैं करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर बॉय रुद्रा।